हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आइए, मैं आज शाम का नाश्ता बनाने जा रही हूं, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूं सूजी का अप्पा। तो ये मैंने 2 कटोरी सूजी आधे घंटे पहले ही पानी में सोख करके रख दिया था, और अब मैं इसमें मिला रही हूँ दही, और इसे मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी जिससे दही और सूजी खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी नमक, और ये मैंने डाला आधा चम्मच सोडा। तो इसको अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी जिससे मेरा ये अच्छे से खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब मैं यहाँ डालूँगी कुछ हरी सब्जियाँ, जिसमें मैंने लिया है शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया और टमाटर। तो मेरे पास कुछ हरी सब्जियां खास नहीं थी, तो ये मैंने अचानक से रेसिपी तैयार की, तो मैंने सोचा कि जो है मैं उससे ही बनाती हूँ। और आप चाहें तो यहाँ अपनी पसंद का कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकती हैं। अब इसे मैं मिला दूंगी, और इसे मिक्स करते वक्त अगर मुझे ये ज़्यादा गाढ़ा लगेगा तो इसमें ज़रा समय पानी और डालूंगी, क्योंकि ये बहुत पतला और बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए ये मेरा बैटर। तो ये मेरा लगभग तैयार हो चुका है, मेरा सूजी भी खूब अच्छे से फूल गया है। तो चलिए, देर ना करते हुए मैं आगे क्या प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। तो अब मैंने अपना सांचा गैस पे रख के गैस अपना ऑन कर दिया है, और इसे मैं हल्का सा 1 सेकंड के लिए प्री हीट कर लूँगी। और फिर उसके बाद इसमें हल्का सा ऑयल या घी कुछ भी स्प्रेड कर लूँगी जिससे मेरा अप्पा खूब अच्छे से खूब लाल हो जाए और बढ़िया बने, और इसे निकालने में दिक्कत ना हो। तो ये मैंने यहाँ तेल इस लगा लिया है। तो अब मैं 1-1 स्पून इसमें डालूंगी अपना बैटर। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि बैटर हमें उतना ही डालना है कि जितना बड़ा मेरा अप्पा का सांचा है। एक्चुअली में अगर ये अधिक पड़ जाता है तो ये बाहर की तरफ निकलने लगता है, और जिससे ये ख़राब बनता है। तो ऐसे ऐसे करके मैं सारे खानों में 1-1 स्पून के आसपास डाल दूँगी इस बैटर को। मैं सारे सांचों में डालने के बाद आइए साथ में हम आंवले की चटनी भी, चटपटी चटनी भी तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने तैयारियां कर ली हैं, और उसके पहले हम ज़रा ज़रा इसमें साइड साइड तेल स्प्रेड कर लेंगे जिससे मेरा अप्पा अच्छा बने और लाल और क्रिस्पी बने। तो यहाँ चटनी के लिए हमने लिया है आंवला, कुछ 3 या 4 आंवले हैं हमारे कटे हुए छोटे छोटे पीस में, और 4-5 हरी मिर्चियाँ हैं, और आधी कटोरी के लगभग हमारी छोटी कटोरी से आधी कटोरी धनिया की पत्ती है। और फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सादा नमक, ये दोनों को डालेंगे। नमक आप यहाँ पे अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, जितना कम या अधिक आपको करना हो आप कर सकती हैं। और अब देखिए, ये हमारी चटनी पीस के हरी हरी चटनी तैयार हो गई है, और ये आंवले की चटनी बहुत ही चटपटी होती है। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा अप्पे के साथ। तो अब मेरा अप्पा यहाँ देखिए लगभग तैयार हो चुका है। इस समय बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, तो मैंने इसे पलटने की कोशिश की, तो ये देखिए अच्छे से ये पलट नहीं रहा है। तो आप ऐसी गलती ना कीजिएगा, इसे थोड़ा सा ऊपर से भी बैटर को टाइट होने दीजिएगा, तब ये बहुत ईजिली पलटा जाता है। तो ऐसे इतनी दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से पलटा जाता है। तो आंवले की चटनी के साथ मेरा अप्पा ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप भी एक बार इसे बहुत जल्दी ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और तो ये देखिए मेरा अप्पा बिल्कुल पलट दिया है हमने, खूब अच्छे से ये लाल हो गया है। और इसमें हमें तेल से ज़रा ज़रा ही दो दो बूंद ही करके डालना है, अधिक हमें तेल का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत कम तेल में तैयार होता है। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल लगभग तैयार हो गया है। ये थोड़ा बच्चों की शोर मचाने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, वरना तो ये और भी अच्छे से होता है। इसके बाद का जितना भी मैंने बनाया वो सारा बहुत अच्छा बना था, और इसे खाने के बाद भी पेट काफ़ी भरा भरा लगता है। तो आइए यहाँ पर हम अपना अप्पा अपने प्लेट में निकाल के सर्व करते हैं। आइए आप लोग भी साथ में नाश्ता कीजिए, और नाश्ता करके बताइए कि कैसा लगा है। ठंडी की इस मौसम में ये सारी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है चटपटी चटनी के साथ। आप चाहें तो इसे सॉस या मीठी चटनी के साथ भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों चटनियों से अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए मेरा अप्पा लग तैयार हो गया है।
तो फ्रेंड्स आइए आप भी नाश्ता कीजिए और नाश्ता करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी 5 से 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है, इसमें बहुत अधिक टाइम नहीं लगना है होता है। तो कार्तिक महीने में जैसे कि आंवले की चटनी खाई जाती है, तो हमने आज यहाँ चटनी ऐसे बना लिया है। तो ये देखिए दूसरे वाले पे जो हमने बहुत अच्छे से मुझे टाइम मिला और मैं अच्छे से इन्हें पका पाई, कुक कर पाई। तो ये देखिए कितना ईजिली ये पलट जा रहा है। बच्चों के परेशानी के बच्चों के जिद की वजह से मुझे वह जल्दी जल्दी करना पड़ा, इस वजह से मेरा ये पहला वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। आप उसको माइंड न कीजिएगा। तो मेरे बाकी आप ऐसे टाइम लेके बनाइएगा तो ये अप्पा आपका कुछ ऐसे ही तैयार होगा। तो लगभग मेरे सारे अप्पे यहाँ बन चुके हैं। अब चलिए मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप भी आइए, और नहीं तो आप इसे अपने घर पे ट्राई करके मुझे बताएं कि मेरा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। तो ओके देन फ्रेंड, मिलती हूँ फिर मैं अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करना चाहती हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।